गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर ट्वेल्व द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माई फैमिली मेरा परिवार वी ऑल लिव इन फैमिलीज ग्रांड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली हम सभी एक परिवार में रहते हैं ग्रांड पेरेंट्स मतलब कि दादी बाबा पेरेंट्स माता पिता अंकल्स आंट्स और चिल्ड्रंस बच्चे ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं लेटेस्ट नो मोर अबाउट फैमिली फैमिली अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर वी कॉल ईच ऑफ़ अवर फैमिली मेम्बर वाई अ रिस्पेक्टफुल मैनर एक परिवार लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं और हम एक फैमिली में हर फैमिली मेम्बर को एक सम्मान के साथ बुलाते हैं मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स माता और पिता पेरेंट्स कहलाते हैं द पेरेंट्स ऑफ फादर एंड मदर आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स और माता पिता के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं फादर्स ब्रदर्स आर कॉल्ड अंकल्स और पिता के भाई अंकल्स कहलाते हैं अंकल्स वाइफ इज़ कॉल्ड आंट और अंकल की जो वाइफ होती हैं वो आंट कहलाती हैं द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अंकल्स आर कॉल्ड कजिन्स और अंकल के जो लड़के लड़की जो बच्चे होते हैं वो कजिन्स कहलाते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मे और नॉट लिव मे नॉट लिव इन द सेम हाउस फैमिली के सभी लोग जो होते हैं सभी मेंबर्स एक साथ रहते भी हैं एक हाउस में एक ही घर में रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ अराउंड अस इसलिए हमारे चारों ओर कई प्रकार की फैमिलीज़ कई प्रकार के परिवार होते हैं जैसे सबसे बन है न्यूक्लियर फैमिली अ न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक न्यूक्लियर फैमिली में केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं मतलब उसमें ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स कजिन्स आंटीज ये सब नहीं होती हैं केवल मम्मी पापा और बच्चे होते हैं इट मे बी बिग और स्मॉल ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है ऑल फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर और सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की मदद करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है न्यूक्लियर फैमिली में केवल मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं अब सेकेंड है जॉइंट फैमिली अ जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रांड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस एक जॉइंट फैमिली में ग्रांड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स चिल्ड्रन ये सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं मेम्बर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली हेल्प ईच अदर और जॉइंट फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं दे हेल्प इन द हाउस होल्ड एंड आउटडोर वर्क वे घर के कामों में और बाहर के कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं वी आर सेफ विद एल्डर्स हम अपने से बड़ों के साथ सेफ हैं सुरक्षित हैं वी लर्न लव सर्विस एंड पेशेंस इन अ जॉइंट फैमिली हम एक जॉइंट फैमिली में प्यार और सर्विस सेवा पेशेंस धैर्य ये सब सीखते हैं वी आर हैप्पी इन अ जॉइंट फैमिली हम एक जॉइंट फैमिली में खुश हैं फादर्स रिलेटिव्स आर पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मदर्स रिलेटिव्स आर मैटर्नल रिलेटिव्स जो फादर के पिता के जो रिलेटिव्स होते हैं पिता के जो रिश्तेदार होते हैं वो पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं और जो मदर्स रिलेटिव्स होते हैं जो माँ के जो रिलेटिव्स होते हैं वो मैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं हेल्पिंग वन एनोदर अवर ग्रांड पेरेंट्स प्ले विद अस हमारे ग्रांड पेरेंट्स हमारे दादी बाबा नाना नानी हमारे साथ खेलते हैं दे फीड अस एंड टेल अस नाइस स्टोरीज वे हमें खाना खिलाते हैं और हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं दे डू मैनी अदर थिंग्स टू शो देयर लव फॉर अस वे कई चीज़ें करते हैं कई सारी चीज़ें करते हैं हमें अपना लव अपना प्यार दिखाने के लिए आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर ऑल आवर नीड्स हमारे पेरेंट्स के बाद हमारी सारी आवश्यकताएं देखते हैं दे वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड होम टू अस कंफर्टेबल वे घर में काम करते हैं और बाहर घर से बाहर भी काम करते हैं हमें खुश बनाने के लिए वी कैन ऑल्सो शो आवर लव फॉर फॉर आवर फैमिली इन मैनी वेज़ हमें भी अपना प्यार अपनी फैमिली के लिए दिखाना चाहिए कई तरीक़ों से जैसे विश एवरी वन गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट सभी को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट विश करना चाहिए डू नॉट टिस योर एल्डर्स टू बी रूड टू दैम और अपने से बड़ों के की आज्ञा का पालन करना चाहिए उन्हें डिसोवे नहीं करना चाहिए और उनके साथ रूड भी नहीं होना चाहिए टेक केयर ऑफ अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अनवेल और फैमिली मेम्बर का ख्याल रखना चाहिए जो कि ठीक नहीं है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए डू नॉट बी रूड टू योर ब्रदर एंड सिस्टर ब्रदर और सिस्टर और अपने बहन या भाई के साथ रूड नहीं होना चाहिए हेल्प एवरी वन एट होम और सभी की घर में सभी की मदद करनी चाहिए